हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास एट साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइज, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उन सारे क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट आखिर क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको टिक करवाऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ना, वो मैं ऐसे ही बताने वाला नहीं हूं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, सैंपल पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस टिक करवाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, आपके जो सीनियर्स थे उनके लिए मैंने हार्ड कॉपी बुक में टिक करवाया था और आज मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट वाले बुक में टिक करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, वही सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो मैंने वहां टिक करवाए थे, लेकिन हां, उसमें मैंने कुछ इंटरनल क्वेश्चंस नहीं दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरनल क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे इंटरनल क्वेश्चन है जो कि आते हैं। एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके इसलिए टिक करवा रहा हूं क्योंकि एक बात आप जान लीजिए कि डीएवी बोर्ड अक्सर क्या करता है ना, कि अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तीन चार साल के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो क्वेश्चन को उठा करके देता है। इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करें। अब देखिए, आप यदि अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग चीज है, इसलिए मैं वहां से सारे क्लैक्स को निकाल करके, सारे जो भी क्वेश्चंस वहां पे आए हैं उन सभी को निकाल करके यहां पे आपके पास लाया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड मैनर में आए हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बीच बीच में मैं आपको कहीं ना कहीं प्रूफ भी दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा गाइज। आपको मैं कहीं भी ऐसा नहीं करूंगा कि कुछ भी मैंने टिक करवा दिया, जो क्वेश्चंस आए हैं या मुझे जो लगते हैं कि आ सकते हैं मैं वही टिक करवाऊंगा। बात रही इंटेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी टिक करवाऊंगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को भी करके चले जाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको एसएसटी मैथ और इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चंस टिक करवाए थे, एंड जो भी क्वेश्चन, जो भी बच्चे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके गए थे वो एग्जामिनेशन के बाद वो कहे हैं मुझे कि हां सर, ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, हल्का खाली शब्दों को चेंज किया गया था, आंसर सब में वही जाता। तो आपको मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चंस टिक नहीं करवा रहा हूं, मैंने प्रूफ के साथ पिछले बार भी दिया था और आज मैं प्रूफ दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे सेल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपके बुक में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और आपको ट्रू फॉल्स या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें तो आप पहले कर ही लेंगे क्योंकि इनमें से एक मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे मैं इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या ही बताऊंगी, इनमें से क्या आएगा। इंटेक्स में मैं आपको कुछ कुछ बता दूंगा जो एक एक मार्क्स में आ सकता है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में ना आपके ब्रीफ क्वेश्चन को देखने वाले हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि हाँ वहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं या फिर आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है यहां पर क्वेश्चन, वो एक से दो दो मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन आपका, वो ये है कि आप डिस्टिंग्विश करें मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच में, पहला ये आ सकता है। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको कहूँगा ना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपके बुक में जितने भी गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं ना, इन्हें आप बिल्कुल करके ही जाएंगे, चाहे वो एक हो किसी चैप्टर में या फिर दस हो, मुझे उसे टिक कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि गिव रीजंस में आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। तो पहला काम क्या है, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन ये सब पहले से कर लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स ये सब कर लेना है, उसके साथ आपको क्या कर लेना है, जो भी गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं, उसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं टिक करवा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से और क्या आ सकता है, तो इसमें से जो पॉपुलर क्वेश्चन है ना वो ये आ सकता है कि कौन सा जो ऑर्गेनल है वो पावर हाउस है सेल का, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपके एकदम लिखने आ सकता है, चाहे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन किया जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए, कुछ भी आपको आ सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स के लिए हम बात करें, तो लॉन्ग आंसर्स में आपका क्या आ सकता है, लॉन्ग आंसर्स में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ये दो तीन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ ही सकता है। ओके, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। यदि हम नेक्स्ट बोले ना, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आप ना एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस बताएं, ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है ना,
कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं सारे चैप्टर से। देखिए गाइस, ये तो नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन सीख करवा दे रहा हूँ वो आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ यदि आप मैथमेटिक्स को जाकर के देखेंगे, एसएसटी को जाकर के देखेंगे, तो मैंने जो भी क्वेश्चन सीख करवाए थे क्वेश्चन लगभग वैसे ही आए हैं या फिर वही आए हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आपको करके जाना पड़ेगा। यदि हम इस चैप्टर के इंटेक्स की बात करें कि सर इंटेक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहली बात आपको ना इन सभी को रीड कर लेना है। ओके, कीवर्ड करेंगे चाहे नहीं, इन सारे को आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद कीवर्ड में आपको डेफिनेशन ये सब दिया हुआ है, तो वो आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और ये वाला जो डायग्राम है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज में भी दिया गया था, ये डायग्राम आना चाहिए और इनका आपको डिफरेंस आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है कि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए एक सेल का। ओके, देखिए हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपली सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक आप लोग प्लास्टिड का फंक्शन अंदर से कर लीजिएगा, प्लास्टिड का फंक्शन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ ही सकता है। वैसे जो भी आपके पास आगे था वो आपके चैप्टर में दे दिया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यदि हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम लोग इंटेक्स से ही स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इंटेक्स से स्टार्ट करते लास्ट में शायद को कवर कर लेंगे। ओके, सबसे पहला काम ये आपको कर लेना है यहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है हमारे लाइफ में। इंटेक्स से आप लोग ये चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, किस प्रकार से वो हमारे फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे एक मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि कौन कर फॉर्मेशन में हेल्प करता है और जो बेकरी में जो प्रोसेस यूज होता है वो कौन सा प्रोसेस है। वन वर्ड में ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ ही सकता है। ओके, इसको आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। और वन मार्क्स में ये भी आ सकता है, इसका डेफिनेशन भी आ सकता है और ये भी वन मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल क्लक्स का निकल करके आ रहा है कि आपको ना जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो अच्छे से कर लेना है, आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। ओके, अगली बात क्या है कि यहाँ से जो स्पेशल टॉपिक है इसके अंदर वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कैसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये क्वेश्चन इंटेक्स से आपका आ सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये वॉइस वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो डेफिनेशन है कम्युनिकेबल डिजीज का, ये आप लोग अच्छे से करके रखेंगे। ओके, फुल प्रिजर्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से फुल प्रिजर्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फुल प्रिजर्वेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट बात करें ना, तो ये चैप्टर यदि आप देखेंगे, ये चैप्टर ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ना, तो यहाँ से ये भी आपके पास आ चुका है कि कोलेरा ये सब जो है वो कैसे होता है, क्या डिजीज यानी क्या सोर्स ऑफ उसके लिए होने का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिया जाए, लेकिन पॉसिबल भी नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा एडिटिंग में और आपके एग्जामिनेशन कल ही है। ओके, और यहाँ पर आपको जो फूड पॉइजनिंग से क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फूड प्रिजर्वेशन। ओके, फूड प्रिजर्वेशन से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, मैं बोल रहा हूँ फूड प्रिजर्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ करे चाहे नहीं, फूड प्रिजर्वेशन को आप लोग बिल्कुल करके ही जाएंगे। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज में जो भी थे वो मैंने वहीं पे कवर करने की कोशिश की है, यदि कुछ बच गया है तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि एक्सरसाइज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर लेना है, ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल करेंगे कि वायरसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर लगा दिया जाए। ओके, एंटीबायोटिक्स की हम लोगों ने बात कर ली थी, तो उसे भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए पहले ही कहा था गिव रीजंस आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे कौन सा और आ सकता है, तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ओके, अब आप यदि आप सिलेबस को खोल के देखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के साथ 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ये जो चैप्टर है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है वो सुन लीजिए। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में आ ही सकता है ना, वो ये है कि क्या डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, जो कि आपके यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। तो ये टेबल से आपको 5 पॉइंट्स कोई ना कोई कर लेने होंगे। तो ये 5 पॉइंट
क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं इस टेबल से, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सारे ये जो आपको टर्म्स दिए गए हैं ना, यहाँ पर आपके मेलिएबिलिटी हो गया, ओके डक्टिलिटी हो गया, इस प्रकार के जो भी टर्म्स है ये डेफिनेशन के तौर पर भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल करके जाएंगे। तो इन टेक्स्ट से यहाँ पर आपके पास ये इंपॉर्टेंट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सारे आने चाहिए, भले आपको एक्टिविटी आए चाहे नहीं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सारे के सारे आने चाहिए कि रिएक्शन विद एसिड क्या होता है, ये सब में क्या होता है। हम लोग बेसिकली अब यहाँ पर आ रहे हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, सॉरी चैप्टर के क्वेश्चंस में, कि आपको बैक एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो अब यहाँ से आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज जो आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4। ओके, तो क्वेश्चन 1 आपको कर लेना है, क्वेश्चन 2 आपको कर लेना है, क्वेश्चन 4। देखिए मैं आपको यहाँ पे कहाँ से टिक करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस, ये मैंने पिछले साल एनालाइज किया था और वहाँ पे मैंने टिक करवाया था, तो वही बुक से मैं यहाँ पे आपको टिक करवा दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बच्चे नहीं फाइंड कर पा रहे थे, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार देख पाएं। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके कुछ गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये वाला, ये जो रीजन वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। इस टाइप के देखिए 3-4 क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। सर ये आप कौन सा दिखा रहे हमें क्वेश्चन पेपर, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इधर इस क्वेश्चन पेपर को चाहते हैं तो आपको स्पेशल प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले ही कहा कि रिएक्शन वाले जो भी क्वेश्चन है ना, ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ, इन्हें आप करेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यानी BI। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, फोर्स एंड प्रेशर। ध्यान से सुनिएगा, फोर्स एंड प्रेशर में आपके एक क्वेश्चन जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो हो जाता है कि थ्रस्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ फोर्स, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको पता होना चाहिए कि फोर्स से क्या क्या चेंजेस होते हैं, और दूसरा ये है कि जो थ्रस्ट वाला क्वेश्चन है, प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, ये इन दोनों का डिफरेंस, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेज का डिफरेंस आपको पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकते हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा। जो आपका लिक्विड प्रेशर एक लास्ट में टॉपिक आता है, लिक्विड प्रेशर का जो आपको यहाँ पे चीज दिया गया है, यहाँ पे रुकिए मैं जाता हूँ आप तक। हाँ, ये जो लिक्विड प्रेशर आपके पास आता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग BBI लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए VVI नहीं, BBI लिखना आपको यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर ना एक डेफिनेशन जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एटमोस्फेयरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमोस्फेयरिक प्रेशर का भी आपको डेफिनेशन कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत हो रहा है, मैं बार बार आगे बढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा जूम इन हो जाता है। ओके, तब तो थोड़ा ध्यान से इसे कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ, कि एक्सरसाइज में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एक्सरसाइज में। ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एक्सरसाइज में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर है ना, इसमें जो भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन दिए गए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से करके जाना होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कर लीजिएगा कि एरिया ये सबको डबल करने से क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन वन फोर्स को डिफाइन कीजिए, पहला वो क्वेश्चन, दूसरा इफेक्ट्स मैंने पहले भी वहां पे डिस्कस कर दिया, और यहां पे तो गिव रीजंस तो आपको करके जाना ही पड़ेगा, इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे ईजी चैप्टर में, जिससे सबसे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ ही नहीं सकते हैं, फ्रिक्शन चैप्टर। सर फ्रिक्शन चैप्टर से इंटेक्स बताइए, तो सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है, उसके कॉज क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1-2 लाइन में, और कौन कौन से फैक्टर्स जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा, कौन सा स्टेटमेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये आपको अच्छे से करके जाना होगा। ये जो स्टेटमेंट है आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी लगा दिया जाए स्क्रीनशॉट में, तो आप उसे भी देख लेंगे। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये 1 मार्क्स के डेफिनेशन में आपके पास आ सकता है। और अब ना यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके ये आते हैं कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है और फ्रिक्शन क्यों खराब है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और ऐसे मेथड्स जिसका हम लोग यूज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से करके जाएंगे। ओके,
आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ये सब आप पढ़ के चले जाइएगा। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए कैसे अच्छा है और फ्रिक्शन हमारे लिए कैसे खराब भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर करके जाएंगे। ओके, एक यहाँ पे आपको टॉपिक क्या दिख रहा होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये दो या तीन मार्क्स में आपके पास आ सकता है, दो या तीन पॉइंट्स लिखने के लिए, तो आप इसे भी अच्छे से कर करके जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रीमलाइन शेप क्यों जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। यदि हम इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना वो है डी का फर्स्ट। ओके, डी का फर्स्ट आपके लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका डी का सेकेंड और डी का थर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि हम बात करें तो डी का फाइव भी आपको अच्छे से करके जाना होगा, डी का फाइव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ई का फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे सर आप लगभग टिक करवा ही दे रहे हो, लेकिन क्या करूं गाइस, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, यदि मैं टिक नहीं करवाऊंगा तो आपके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना भी टाइम है इतना कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करके जाइए, जो बचा उसे छोड़िए अब आप। ओके, उसके बाद यहां पर ना मैंने आपके लिए ना कुछ ऐसे भी टॉपिक्स बनाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आ सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उन सारे वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने कहा कि आपको ये सारे जो गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस, ये तो आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इन्हें आपको करना ही पड़ेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। तो आइए सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर से, यानी कि जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों आपको अच्छे से करके जाने पड़ेंगे, आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं, और फुल फॉर्म ये सब तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट में टिक नहीं करवा रहा हूं। एक ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 5, ओके, वो दोनों क्वेश्चन, एक तो आपका वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया ये वाला, और 3 वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला जो क्वेश्चन है कि आप मेन एडवांटेज बताइए नेचुरल गैस को यूज करने का, उसे भी करके जाएंगे। ओके, चैप्टर 7 से हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आपके चैप्टर में ही कवर कर दिए गए लगभग। तो कौन कौन से क्वेश्चंस चैप्टर 7 से इंपॉर्टेंट है, यदि हम उसकी बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर जो बताने दीजिए, हाँ यहां पर देखिए जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करके जाएंगे। 3 कंडीशंस क्या क्या चाहिए, इसे भी आप करके जाएंगे। ओके, और यदि यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि हम ई की बात करें तो ई में जो आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी आपको स्क्रीनशॉट निकाल करके दिखाया जाए, आप लोग इसे भी कर करके जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि कैसे हेल्थ हैजर्स होता है, उसे भी आप लोग करके जाएंगे। देखिए गाइस, यदि आपने मेरे पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वीडियो को देखा होगा तो ये जो चैप्टर के क्वेश्चन है वो कवर्ड होंगे, आप उन्हें कर लिए होंगे। लेकिन यदि आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इन दोनों चैप्टर से इंटेक्स्ट क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, चैप्टर 8 और 9 आपका रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग आए गाइस, तो चैप्टर नंबर 10 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो रे डायग्राम्स, आपको सारे रे डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए। ओके, सारे रे डायग्राम्स आपको आने चाहिए, आपको रिफ्रैक्शन बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये सब तो आपको आने चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टिक करवाने की कोई जरूरत मुझे लगता है नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये आपके क्वेश्चन, दो मिनट ऐसे रिमूव कर दीजिए पहले, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये दो पॉइंट्स और ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करके जाएंगे। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी आपको बनवा दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके आ सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ओके, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सर अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले रेनबो फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको, और लेंसेस में ये सारे जो टर्म्स है, ये सारे टर्म्स जो है वो एक दो मार्क्स में आपके आ सकते हैं, तो इन्हें आपको कुछ ना कुछ करके तो जाना ही पड़ेगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इनके आंसर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें ये नहीं है। ओके, अब हम लोग यहां पर आगे बढ़े ना कि सर ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, तो हाँ गाइस, ये सारे जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं ये तो आप बिल्कुल करके ही जाएंगे, इसे आप छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्या क्या जरूरी है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यदि हम लोग एक्सरसाइज की बात करें ना, तो यहां पर जो आपको डी में 5 दिख रहा है, डी में 5th क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि किस प्रकार के लेंसेज क्या फॉर्म करेंगे, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर
ये पेंसिल वाला, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी कर करके जाएंगे। ओके आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे ई में वैसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बाकी मैंने टिक करवा ही दिया आप लोगों को। ओके ई में वैसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको टिक करवा ही दिया, डायग्राम ये सब आप सीख ही गए होंगे अभी तक यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे। तो ह्यूमन आई चैप्टर से जो सबसे पहला है कि आपको ये सारे डेफिनेशन अच्छे से आने चाहिए, अंदर में से सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से करके जाना होगा गाइस। उसके बाद हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि हम लोग आखिर कलर्स को कैसे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है आप सभी के लिए, तो आप इन्हें कर करके जाएंगे। रेंज ऑफ विजन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये सब आपको अच्छे से डेफिनेशन पता होने चाहिए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से करके जाएंगे। देखिए गाइस मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जब ये सोच रहे हैं कि मैं लगभग तो टिक करवा ही दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, मैं लगभग इसलिए टिक करवा दे रहा हूँ ना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और मैं टिक यदि नहीं करवाऊंगा तो आपको लगेगा सर ये सारे क्वेश्चंस तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, आपने टिक क्यों नहीं करवाया, दोनों तरह की बातें होगी। तो मैं सब टिक करवा दे रहा हूँ, उसमें से आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ज़्यादा वो मैं बहुत 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 बार बोल दे रहा हूँ। ओके चलिए यहाँ पर यदि हम लोग आगे बात करें ना, जो कैटरैक्ट आपका था, यहाँ बीच में कैटरैक्ट वाला टॉपिक आता है, कैटरैक्ट कहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कैटरैक्ट का डेफिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो लूज सिस्टम जो था ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आ जाते हैं हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर के क्वेश्चन में कि चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गाइज। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स तो पूरा का पूरा करेंगे ही, इसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो प्यूपिल ब्लैक क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग करके जाएंगे। डिफरेंस ये सब मैंने आपको बता ही दिया, जो टर्म्स डिफाइन करने वाले थे ये आपको करके जाना ही पड़ेगा, इन्हें आप छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। ओके यदि हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो आपका जो डायग्राम में है वो ह्यूमन आई का, जब जाके देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले डायग्राम वाले वीडियो को, तो आप देखेंगे कि वहां पे मैंने इन सारी चीजों को टिक करवाया था। ओके और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन ऑप्टिकल हेड और जो ऑप्टिकल हेड है ये कैसे हेल्प करते हैं, तो वो भी आपको करके जाना पड़ेगा। फिलहाल आपके पास टाइम है, आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो अच्छे से कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग इजिली कर ले जाएंगे। और 5 प्रिकॉशंस जो आप रख सकते हैं अपने आईज पर, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना गाइस कि 5 प्रिकॉशंस बताइए ये फलाना ढिमकाना, तो आपको उसमें ध्यान नहीं रखना है, आपको पता है कि अपने आई को कैसे बचा सकते हैं, बस आपको उसमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से अपने आई को बचा सकते हैं। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं साउंड चैप्टर में, तो साउंड चैप्टर में साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है, उसका स्पीड ये सब आपको पता होना चाहिए, साउंड का स्पीड क्या होता है, और यहाँ पर जो ह्यूमन से साउंड प्रोड्यूस होता है ना वो कैसे होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे साउंड चैप्टर में कि क्या क्या सर आ सकता है, तो यहाँ पे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड ये सब आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन का, ये गाइज आपको पता होना चाहिए, आप इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे क्वेश्चंस बन करके आए भी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी आपको प्रूफ दे दिया जाए कि हाँ इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहीं मैं झूठ तो नहीं करूं, आपको आप में से बहुत से बच्चों को लगा होगा कि सर आप तो ज्यादातर टिक करवा ही दे रहे हो, क्या करूं ऐसा क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, और यहां पर जो हां ये वाला जो क्वेश्चन है ना लाउडनेस और फ्लैटनेस वाला, ये भी आपको करके जाना पड़ेगा। ओके चलिए हम लोग यहां पर आ जाते हैं कि इसका एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे हम लोग यहां पर कि एक्सरसाइज में आपको क्या-क्या क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं। तो चलिए हाँ, तो पहले तो आपके डेफिनेशन ये सब मैंने पहले ही कहा कि आपको डेफिनेशन ये सब आना चाहिए, स्पीड ये सब आपको आना चाहिए, साउंड का कॉज क्या है ये सब तो आपको पता ही होता है, और यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कि क्यों नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए गंदा है या फिर हार्मफुल है, तो ये आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। आपने मैकेनिज्म को देख लिया कि ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ चैप्टर्स और बचे हुए हैं उसे भी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, इसमें से कोई क्वेश्चंस इंटेक्स से मैं इंपॉर्टेंट नहीं टिक करवा रहा हूं, बस एक करवा रहा हूं वो है पॉलीइथीन टेट्राथेलेट, आपको ये वाला जो लास्ट टॉपिक यहां पे दिख रहा है ना ये आपको करके जाना होगा कि पीईटी का यूज क्या है और ये क्या होता है, बाकी आपको सारे के सारे करने ही पड़ेंगे, आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, और एक आपका ये जो है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर ये भी आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ओके अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे सीधा एक्सरसाइज में, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है लॉन्ग
लॉन्ग और शॉर्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सेकेंडरी फाइबर क्या होता है, दो यूजेस रेयॉन के, ये सब आप लोग करके जाएंगे। और यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है कि रीजनरेटेड फाइबर कैसे होता है और उसमें हम लोग कैसे एक सेकेंडरी फाइबर से डिफरेंट बता सकते हैं, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जा रहा है। थर्मोप्लास्टिक सबके बारे में पता होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जब नेक्स्ट बात करें ना, तो सिक्स क्वेश्चन जो आपका बेकेलाइट वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग करके जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इन चैप्टर से इतने ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे टिक करवा दिए। एक क्वेश्चन जो आप कर लेंगे यहाँ पर वो है ये कि क्लोथ जो नायलॉन से बने हुए होते हैं ये क्यों लॉस्ट करते हैं, ये आपका कर लेना है। एडवांटेज और सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको पहले ही इंटरेस्ट में बता दिया था। ओके, अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको एसेक्सुअल सेक्सुअल का डिफरेंस पहले पता होना चाहिए, बर्डिंग ये सब जो प्रोसेस है ये आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। आपको ये सारे डायग्राम जो हो गए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, ये दोनों आपको डायग्राम पते होने चाहिए, आप इसे बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो इंटरेस्ट से आ सकता है वो है मेटामॉर्फोसिस, तो आप उसे भी करके जाएंगे। और हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है ना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपका ह्यूमन स्पर्म का जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो आप लोग इसे करके जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ शायद मेरे से छूट रहा है ना, वो मैं देख लेता हूँ क्या मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, मैंने यहाँ पे याद किया था, मैं भूल गया हूँ यहाँ पर, दुखी दो मिनट देख लीजिए। हाँ, ये वाला जो आपका है कि किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव पैटर्न है, रिप्रोडक्टिव पैटर्न का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसका भी प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि रिप्रोडक्टिव पैटर्न वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये 2020 में आया था, उसका क्वेश्चन पेपर का मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एडोलेसेंस वाला, इसमें मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट टिक करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि छोटा सा चैप्टर ही है एडोलेसेंस, आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा करना होगा, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कुछ भी मत छोड़िएगा, इसका पूरा करना है। ओके, इसमें मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट टिक नहीं करवा रहा हूं। एक लास्ट चैप्टर जो आपका बच जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इट्स केमिकल इफेक्ट, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनल यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है, तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। माइकल फैराडे का आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो करके जाना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, देखिए यहां पे मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आपको ये करके जाना होगा, आप इसे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे थे हम लोग यहीं पर स्टूडेंट्स, तो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट है बीच में आता है वो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एप्लीकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आप उसे छोड़ करके एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी मैं स्क्रीनशॉट लगा सकता हूं कि आया है तो आया है, मैं आपको लगाने की कोशिश करूंगा, बाकी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कल आपका एग्जामिनेशन है तो मैं कुछ कुछ प्रूफ आपको यहाँ पे हटा भी सकता हूँ। ओके, चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सर आपको करके जाना पड़ेगा, आप इसे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ओके, एक जो आपका थ्योरी था माइकल फैराडे का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये भी आप करके जाएंगे। तो बस यही था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर के बात करिए, चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको चैप्टर्स में कि चैप्टर नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपका, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, ये क्या एग्जामिनेशन में आ सकता है, आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये जो इसका जो प्रूफ है वो लगा दिया जाए। ओके, क्वेश्चन 5 यदि हम लोग बात करें डी का जो क्वेश्चन 5 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा डी का क्वेश्चन 5, यहाँ पर दो मिनट। हाँ, ये डी का जो क्वेश्चन 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। और जो क्वेश्चन 4 है कि कौन साइंटिस्ट का नाम बताइए, गिव रीजन वाले क्वेश्चन, देखिए ई का फर्स्ट गिव रीजन वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको करके जाना पड़ेगा, आप इसे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो बस यही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। देखिए गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन यदि आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो आपके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये सारे क्वेश्चन आए हैं और ये मेरे प्रिपेयर्ड है, आप खुद में खुश होंगे कि हाँ मेरे आए हैं और प्रिपेयर्ड है। और आपको क्या करना है ना कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेने के बाद 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर कर लेने हैं। यदि आप उन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका कल का एग्जामिनेशन बहुत 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 अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके सीनियर्स ने भी सेम चीज को अप्लाई किया था अपने में और वो बाद में आकर के कहे थे कि हाँ सर, आपने जो भी क्वेश्चन टिक करवाए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा, बीच बीच में आपको प्रूफ भी दे दिया है, तो आपको कोई भी मन में शंका नहीं रखनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन बनाता रहता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।